गुड इवनिंग दोस्तों नमस्कार सभी को एक बार सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर और दोस्तों मैं आ चुकी हूँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो जल्दी से आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका आपको मतलब लगता था कि हमें ये चीज़ भी करनी चाहिए 2017 वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए 2018 वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए 2018 हालांकि 2018-19 के कुछ क्वेश्चन मैंने 19 के तो सारे हो चुके थे कल करवा दिए थे क्षेत्रफल और आयतन के अब आप करेंगे 2017-18 ठीक है इसके बाद ये दो से लेके उन्नीस तक काफ़ी आपके लिए क्योंकि टी शर्ट्स पैटर्न के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जल्दी से आ जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए क्लास एक बार शानदार तरीके से एंड गुड इवनिंग तनु आपको सभी को गुड इवनिंग जो आ चुके हैं क्लास स्टार्ट करवा दी जाए जल्दी से जुड़ जाओ यार जल्दी से फिर क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना इम्पोर्टेंट टाइम है ये एंड आप भी ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके क्लास स्टार्ट करके एंड कर दी जाए है ना क्लास शेयर कर दो फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच एंड जो भी आपके ग्रुप्स हैं और लाइक से ये आप करते रहा करो बीच बीच में क्लास में अटेंडेंस जो होती है ना वो लाइक से किया करो कि हाँ हम आ चुके हैं क्लास में ताकि मुझे भी ऐसे अंदाजा हो जाए कि हाँ आप इतने लोग आ चुके हैं ठीक है चलिए मैं क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छा सा सवाल लिया है मैंने वो मैं लगा देती हूँ okay. देखिए दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट आ रहा है तब तक आप आ रहे हैं धीरे धीरे बेरोजगार बे लड़का गुड इवनिंग अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास हुई थी आप लेट हो गए थे काफ़ी अभी आप टाइम पे आ चुके हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है ये देखिए देखो दोस्तों कल 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जो कि दो के तो सारे हो चुके थे 2018 के कुछ क्वेश्चन लिए थे आज 2018 के क्वेश्चन है प्लस में 2017 के क्वेश्चन है है ना uh, तो मैं लगा देती हूँ ये आ चुका है देखिए क्या कहना चाह रहा आपसे ये सवाल तो सवाल की भावना को आपको अच्छे से समझना है और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप अगर सवाल को समझ गए तो आप करेक्ट करेंगे नहीं समझे तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे गुड इवनिंग सुयास राधे राधे आपको एंड साइलेंट गेमर गुड इवनिंग आपको सभी को गुड इवनिंग जो आ रहे हैं एंड ठीक है देखो सवाल नंबर पहला एंड बोला जाए तो सवाल नंबर जो 26 है क्योंकि 25 हमने कर लिए थे वो आपके सामने आ चुका है क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भाई धातु का एक पाइप की लंबाई कितनी है इतनी है इतनी बोले तो सात पॉइंट पांच छह मीटर और इसकी बाहर वाली और आंतरिक दो तरह की त्रिज्याएं दे रखी है दो पॉइंट पांच और एक पॉइंट पांच तो आपसे पूछा गया है कि धातु के एक सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर सात पॉइंट पांच ग्राम है तो पाइप का वजन कितना होगा गुड इवनिंग अनुज सूरज शुर, शिवम सभी को गुड इवनिंग रविकांत ठीक है भावना कौन है भावना कौन है आप खुद ही जान जाओ है ना ओके तो देखो अगर एग्जाम में बैठे हो आप तो इस सवाल को आपको जल्दी से करना है ज, दो तरह की त्रिज्या दे रखी है इसका मतलब ये खोखले बेलन की बात कर रहा है तो कैसे करोगे आयतन इनटू जो आपका वजन दे रखा है आयतन कैसे निकालोगे पाई ठीक है तो पाई आर स्क्वायर आर मतलब बड़ी वाली त्रिज्या माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या का इसको आपको सजावट नहीं करनी है बड़ी वाली त्रिज्या दो पॉइंट पांच का स्क्वायर माइनस एक पॉइंट पांच का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार दोनों त्रिज्या को जोड़ दो एक बार अंतर निकालो दोनों को जोड़ोगे तो चार दोनों का डिफरेंस एक कितनी है दोस्तों हाइट है सात पॉइंट पांच छ मीटर जबकि हमें सिर्फ सेंटीमीटर में बात की गई है तो कितना होगा सात पांच छ और इंटू में कितना वजन है सात पॉइंट पांच अब इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा टाइम हमें लगाना नहीं है यहाँ पे एक तो ग्यारह है ग्यारह के तो बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ नहीं देखेंगे और देखते हैं इवन नंबर है ठीक है थीके? ये देखो दोस्तों सात पांच बारह और छह अठारह नो का मल्टीपल जिसमें भी होगा वो आपका आंसर होगा तो नो का मल्टीपल सात और एक आठ आठ दूनी सोलह तो ये हो गया और बाकी चेक करती हूँ मैं ये हो गया ये नहीं होगा ठीक है इधर नो नो एक ये भी बैठ रहा है एक ये नहीं बैठ रहा तो दो आंसर बैठ गए आपके पास तो दो आंसर बैठ गए तो दोस्तों दोनों में से आपको चेक करना ना? दुनी है ना दो आंसर आपके पास आ चुके हैं एक यूनिट डिजिट भी आपको चेक करनी पड़ेगी में से तीन गया ना? तो बहतर बहतर आएगा, आएगा? आएगा। ग्यारह से भी ए। से कटी नहीं रहा। ओके तो ग्यारह दुनी बाईस ग्यारह से नहीं कटेगा क्योंकि ये कितना आएगा आठ सात पंद्रह अरे यार ठीक है नो और ये कितना आ जाएगा नो no. भाई ग्यारह का भी दोनों सेम ही बैठ रहा है ये अच्छी बात हो गई इस सवाल नहीं ये नहीं बैठेगा सात दुनी चौदह चौदह में से चार गया ये नहीं बैठेगा आंसर कौन सा बैठेगा फर्स्ट ठीक है ग्यारह में बैठेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका है कि डायग्राम बनाओ डायग्राम में सुंदरता दिखाओ डायग्राम खोखले बेलन की आपको पता है कैसी बनने वाली है उसका आपको कोई यूज नहीं करना और ये सब करना पड़ेगा इसमें आप रेडियस लिखते हो कि दो पॉइंट पांच का स्क्वायर माइनस एक पॉइंट पांच का स्क्वायर वहां से जब करोगे तो सवाल यही होने वाला है ठीक है यहां मैंने चेक कर लिया एक तो ग्यारह का और एक किसका नौ का तो ग्यारह और नौ का यही प्रॉपर आ रहा है तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा ये ठीक है ठीक है इंग्लिश की क्लास कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ऑफलाइन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है है ना अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है ओके okay? ए सही है बहुत है बहुत बढ़िया ना ए सही है अगला सवाल कह रहे हैं तीन सह केंद्रित व्रत हैं तीन व्रत हैं जिनका केंद्र एक ही है और उनकी रेडियस कितनी है चार पांच और सात तो आपको बोला गया आंतरिक व्रतों के बीच का क्षेत्रफल मतलब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल एंड आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है बाहरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त बोले तो हम इन दोनों के बीच की बात की गई इन दोनों के बीच की बात की गई है और आपको पूछा गया इनका रेशियो कितना होगा दोस्तों क्षेत्रफल में आपको पता है पाई आर स्क्वायर आता है ठीक है सर्कल में क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर होता है रेशियो पूछा गया पाई कटनी निश्चित है ठीक है तो r स्क्वायर कैसे निकालोगे यहां पे आप देखोगे यहां इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना हो जाएगा बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर अनुपात इन दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस कितना हो माइनस छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर निकालोगे तो नो अनुपात यहां से कितना आएगा चोईस तो तीन थिया नो और ये आ जाएगा आठ कितना आ जाएगा तीन आठ सोचा किसी ने बी आएगा है ना बी आएगा आ, कभी रूल ने आंसर दिया है पिंकी आपने डी आंसर दिया है हो सकता है पिछले क्वेश्चन का हो शुक्रिया कोई बड़ी बात नहीं है हाँ देखो जो आपको जो टाइम सही लगता है उस टाइम पे वो पढ़ाई करिए ना किसी से कहने पे आप नहीं कर सकते हाँ ये है कि लाइव क्लास जो चलती रहती है तो एक घंटा आपका कब बीत जाता है साथ के साथ में आप आंसर देते रहते हैं हा ना बोलते रहते हैं है, हा, हाँ मैम ठीक आ रहा है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा हाँ अगर रिकॉर्ड देख रहे हो तो रिकॉर्ड आप अपने हिसाब से देख सकते हो कोई दिक्कत है नहीं ठीक है अनुपात आदि बहुत बढ़िया सभी का सही है जो तीन आठ दे रहे मतलब ऑप्शन बी वाले सभी सही है बेरोजगार लड़का बीटी हो जा पिंकी एंड कबीरुल कबीरुल ने सबसे पहले आंसर दिया है अगले सवाल पे आ अगला सवाल क्या कह रहा है कि बयालीस सेंटीमीटर व्यास वाले किसी व्रत में एक त्रिज्यखंड काट लिया जाता है तो यदि तिरजाखंड का एंगल 150 है तो इसका एरिया क्या होगा त्रिज्या काट लिया जाता है का मतलब ये सर्कल है यहाँ से कोई खंड काट लिया जाता है इसकी रेडियस है अच्छा रेडियस नहीं व्यास है फोर्टी टू तो रेडियस आधी हो जाएगी इक्कीस और ये वाला एंगल एक सौ पचास है तो ये बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा निकाल लेंगे हम क्या हो जाएगा पाई आर थीटा बटे तीन पाई मतलब बाईस बटे स्क्वायर स्क्वायर मतलब मतलब का का ठीक है थीटा बटे का मतलब कितना है थीटा आ एक सौ पचास बटे तीन सौ साठ दोस्तों ग्यारह है मल्टीपल में ग्यारह का ऑप्शन देखो अगर मिल रहा है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर देंगे ठीक है आगे जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है यहां आप देखोगे सात पांच बारह सात पांच बारह ये ग्यारह से भाग जा रहा है ये आ जाएगा फोर्टीन माइनस फाइव नहीं जाएगा एंड ये आएगा बारह माइनस सात नहीं जाएगा ये ग्यारह ये भी नहीं जाएगा तो आंसर आपका आ चुका है कौन सा आएगा फाइव डबल सेवन पॉइंट क्लास से प्रैक्टिस हो जाती है गुड हाँ प्रैक्टिस हो जाती है और 2017 और 18 वाले सवाल भी चल रहे हैं जो कि अभी मैं पेपर 2017 का तो मैं करवा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी नहीं है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा जो भी दे रहे हैं सभी का सही है मतलब सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है देखा जाए तो फाइव सेवन सेवन है ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मैम आपका नंबर मिलेगा क्या कॉल करेंगे तो क्योंकि हमें संतोष ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा इसको सही करो है ना ओके एंड जो भी तुम्हारा टारगेट है वो जॉब वगैरह जो भी है उसको करो भाई यहाँ आने से कुछ नहीं है अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाह रहे हो तो करो ठीक है चलिए अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाला एक त्रिकोणीय मैदान है प्रत्येक भुजा x है मतलब संभा त्रिभुज की बात कर रहा है उसका क्षेत्रफल 50 मीटर 70 मीटर और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोण मैदान के बराबर है मतलब एक एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा 50 70 और कितनी है 80 है उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो पूछा गया एक्स का निकटतम मान कितना होगा दोस्तों हीरो वाले फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अब इसका कोई शोट नहीं है इसका कोई शॉर्ट नहीं है जिसका शॉर्ट होता है मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करती हूँ इसका नहीं है तो इसको हम पूरे तरीके से करेंगे बेसिक से पचास सात तो सॉरी पचास सत्तर और अस्सी को ऐड करोगे तो कितना आ गया दो सौ में दो का भाग दोगे सो तो अर्ध परिमाप कितना हो गया सो तो दोस्तों इस वाले जो ये है ट्रेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा सो में सो माइनस पचास, पचास में तीस में बीस तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा जाएगा बाहर एक तो सौ से दस आ जाएगा इन दो जीरो से फिर दस आ जाएगा एक जीरो अंदर रह गई और यहां पे कितना आ जाएगा पांच से पंद्रह धुनी तीस तो अंडर रूट कितना आ गया तीस सही जा रहे है? ठीक है ठीक है अंडर रूट तीस आपका आ गया ये बोल सकते हो हाँ अंडर रूट तीस

नहीं भाई दस बाहर आ जाएगा ना तीन ही तो बचेगा दस तो बाहर आ जाएगा ठीक है तो चार सौ इंटू दस बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों बीस इंटू अंडर रूट दस और अंडर रूट दस का मान आपको पता है तीन पॉइंट कितना होगा अः क्या बचेगा एक बटा तो तीन पॉइंट सोलह है ना कितना हो जाएगा बीस इंटू तीन पॉइंट सोलह का मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटी थ्री और हाँ सिक्सटी थ्री आ जाएगा तो, तो कहाँ पे है सिक्सटी थ्री ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आया किसी का आंसर <laughs> आया किसी का आंसर डी आ रहा है डी नहीं आएगा बीस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21 3 कितना आ आ आ आ जाएगा आ, 32, जाएगा आ, तो आ जाएगा जाएगा देखो ठीक है और तो ऑप्शन नंबर ए अच्छा पॉइंट का डेसिमल कैसे निकालते हैं यह मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया था ना शॉर्ट वीडियो बनते हैं काफी उसमें कैलकुलेशन के काफी पार्ट आपको बताए गए हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कोई दिक्कत नहीं है चलेगा इतना सा तो चलिए अगले सवाल पे एग्जाम में नहीं चलेगा ना एग्जाम में नहीं चलेगा अगला सवाल क्या करे इतनी -इतनी इतनी -इतनी मतलब दस और बारह तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कौन सी दोस्तों तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसे देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल है ना जो मतलब सेम भूजा है उनकी आपको इक्वल उसकी लेंथ आपसे पूछी गई है ओके सम्धी बाहू त्रिभुज की देखो एक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है एरिया निकालने में बहुत ज्यादा काम आती है ये कह रहा है ऊंचाई कितनी है दस कितनी है दस नहीं आधार दस है और ऊंचाई बारह दोस्तों समी बाहू में ये नब्बे डिग्री का कोण बनता है और ये सामने वाली भुजा को समान भागों में बांटता है ये टोटल दस है तो ये पांच और ये पांच अगर ये बारह ये पांच है ठीक है नब्बे डिग्री का कोण है तो ये कितनी हो जाएगी तेरह ट्रिपलेट सभी को पता है सभी को पता है ट्रिपलेट तो यहां पे आप देखोगे ईच वाली ये थर्टीन है तो ये थर्टीन और ये दस आपको समान वाली पूछा है तो कितना आ जाएगा तेरह सेंटीमीटर बहुत बढ़िया संतोष ने सबसे पहले आंसर दिया है ना आंसर दीजिए साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए ठीक है रेड्डी तेजा गुड, रेडी तेजा किलर ब्यूटी और समी बाहू की ये की प्रॉपर्टी तो लगा के करा करो जल्दी निकलेगा और फॉर्मूले में उलझोगे तो फॉर्मूला काफी उलझा देता है, है ना चलिए अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कह रहे हैं अगला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे धातु से बना एक बेलनाकार क्या है रोड रोलर एक मीटर लंबा है कितना है एक मीटर लंबा है इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 है और धातु की सीट की मोटाई कितनी है 9 सेंटीमीटर दोस्तों आंतरिक त्रिज्या 27 है मोटाई 9 है तो बाहरी वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 27 9 36 हो जाएगी ठीक है तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 26 मैंने समझाया था सेम वैसा ही सवाल है वैसा ही सवाल है <laughs> मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया इसलिए लेट हो गया भाई इस लायक भी बनो ना इस लायक भी बनो कि ये चीज आपकी खुद की हो है ना तो ये देखो क्या हो जाएगा आयतन कैसे निकालोगे पाई अच्छा पाई में ही दे रखा है तो सोल ही नहीं करना है पाई आर स्क्वायर आर क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों त्रिज्याओं के वर्ग करके अंतर ठीक है अंतर निकालोगे तो एक बार त्रिज्या जुड़ेंगी एक बार घटेगी पहली वाली छोटी वाली त्रिज्या सत्ताईस है तो बड़ी कितनी हो जाएगी सत्ताईस प्लस नो छत्तीस दोनों को जोड़ोगे तो सिक्सटी थ्री दोनों का अंतर नाइन इनटू हाइट कितनी है दोस्तों हाइट है इसकी एक मीटर कितनी है एक मीटर तो एक मीटर आप सेंटीमीटर में बात कर रहे हो सारी चीजें तो एक मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए इनटू कितना वजन है एक सेंटीमीटर क्यूब में आठ ग्राम वजन है तो आठ से मल्टीप्लाई करो इसको भी मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना चाहूंगी नो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है अट्ठारह का मल्टीप्लाई देखना है अट्ठारह का मल्टीप्लाई क्या होगा एक तो इवन नंबर होगा ठीक है एक नाइन सम आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चार चार दुनिया आठ चार बारह और ये नहीं होगा ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना चार चार दूनिया आठ चार बारह फोर्टीन नहीं होगा ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों नो और नो अठारह ये हो सकता है यहाँ पे आप देखेंगे ये भी नहीं होगा ये भी हो सकता है लेकिन यहाँ चार सौ इकतालीस है जो कि इवन नंबर नहीं है इवन नंबर नहीं है तो ये कैंसिल आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी बाकी आप गुणा करके देख लेना आंसर आपका यही आएगा चार सौ त्रेपन पॉइंट छ पाई और ये के जी में चेंज हो जाएगा आपने डिवाइड कर दिया वन थाउजेंड का ठीक है बहुत बढ़िया आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेड कोर्स अभी नहीं है मुकेश जैसे ही अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको बता दिया जाएगा ऐप पे वैसे भी सारी न्यूज उसमें दे रखी है ऐप पे ठीक है चलिए सेवन नाइन बिल्कुल सेवन और नाइन का मल्टीपल देखोगे सेवन नाइन का भी देख सकते हो एंड आप देख सकते हो नाइन नाइन मतलब एटीन का भी देख सकते हो क्योंकि इवन नंबर है और नाइन का भी देख सकते हो कैसे भी कर सकते हो ठीक है Nine का मल्टीपल देखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है आसान होता है आगे क्या कर रहे हैं इतना और इतना है है ना? आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो आपको रेडियस पूछी गई है और क्या पूछा गया है ऊंचाई पूछी गई तो भाई आपको पता होना चाहिए पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है टू पाई आर एच और एरिया आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है ये 264 है और ये कितना है नौ है दोस्तों आर स्क्वायर से आर से आर कैंसिल एच से एच कैंसिल पाई से पाई कैंसिल दो से ये कैंसिल तो 132 तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बटे आर बराबर कितना आएगा 132 बटे नौ आपको पता है सात दुनी चौदह सात का मल्टीपल आएगा तो कितना आएगा एक बटे सात आर का मान कितना आ गया सात अगर r का मान सात है और आपको त्रिज्या और ऊंचाई पूछी गई है सात का एक ही अनुपात दिख रहा है ठीक है क्या दिख रहा है एक ही अनुपात दिख रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा c ठीक है किम जोंग उत्तर कोरिया वाले आ चुके हैं है ना एंड क्लास में कंटिन्यू रहिए आप पीडीएफ कहाँ मिलेगी धीरे पीडीएफ इसकी India Studies तो India Studies इंडिया स्टडीज के ऐप पे एक आईएस लिखा तो आई वाला न्यू है न्यू वर्जन बोल सकते हो या न्यू जो भी अपडेट है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए आशीष आप आ गए ठीक है अब आंसर दे दीजिए ठीक है तो सात अनुपात छे जिनको लग रहा है मैम ऐसे कैसे होगा इस सात का मान इसमें रख के देख सकते हो दो इंटू बाईस बटे सात ठीक है इंटू आर का सात इंटू एच हमें निकालना है जो कि दो सौ चौसठ है यहाँ पे आप देखेंगे सात से सात कैंसिल चौवालीस का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा छह बार जाएगा तो अनुपात कितना आएगा सात अनुपात छह बाकी एग्जाम में बैठे हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है? नहीं है मेहनत करने की, करने की जरूरत है लेकिन फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है ओके अभी मैं, मैं एग्जाम को इम्पोर्टेंट रखते हुए मैं ये सवालों के आंसर आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूं और वो तरीका बता रू जिससे आप जल्दी आंसर निकालें बाकी मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होते हैं उसके बाद ट्रिक आती है ठीक है उसके बाद ट्रिक के जो दो चार तरीके होते हैं वो सारे आते हैं है ना चलिए अगले सवाल में आ जाइए अगला सवाल क्या करें एक गोली का व्यास है वो चालीस परसेंट कम कर दिया जाता है चालीस परसेंट का मतलब कितना अच्छा व्यास को कम कर दिया जाता है ठीक है तो त्रिज्या कितनी कम होगी है ना व्यास को अगर कम किया जा रहा है तो त्रिज्या भी कितनी होगी चालीस परसेंट कम हो चलो बताओ इसका आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा मैम प्लेलिस्ट बनाइए प्लीज आ, प्लेलिस्ट बन रही है इसके

ठीक है, डी आ रहा है चौसठ परसेंट सेवेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट आ रहा है चौसठ है और ए है सेवेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट ठीक है अच्छा मुझे बताओ रेडियस आ, रेडियस छोड़ो चालीस परसेंट बढ़ रही है मैं इसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कुछ बच्चों को यह समझ में आ रहा है चालीस परसेंट बढ़ाए या बीस परसेंट बढ़ाए ठीक है आप मान लो क्या मान लो कि चालीस परसेंट किसे दस मानना आसान रहेगा दस है आपकी व्यास है व्यास कितना है दस है ठीक है व्यास दस है तो आपको पता है रेडियस कितनी हो जाएगी पांच हो जाएगी पांच ठीक है व्यास दस से कितना बढ़ रहा है चालीस परसेंट बढ़ रहा है चालीस परसेंट बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चालीस ठीक है कितना हो जाएगा फोर्टीन कितना हो जाएगा फोर्टीन ओके भाई दस का चार पर, चालीस परसेंट कितना हो जाएगा चार तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी सात यहाँ पे आप देखोगे तो वो ही चालीस परसेंट बढ़ रही है कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है यहां से काटोगे बीस तो दोस्तों जितना व्यास बढ़ेगा उतनी ही रेडियस ना? उतनी ही ही रेडियस रेडियस बढ़ेगी बढ़ेगी है ना कुछ चालीस परसेंट से कर रहे हैं मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया कितना बढ़ेगा रेडियस भी चालीस परसेंट बढ़ेगी अब बात करें हम आयतन आयतन में रेडियस कितनी बार काम आती है कुछ लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं भाई आयतन में तीन बार काम आती है गोले में चालीस परसेंट का मतलब होता है दो बटे पांच ये कम हो रही है कम हो रही है क्या कम कर दो या वृद्धि कर दो एक ही बात पड़ेगी ना एक ही बात पड़ेगी यहाँ पे ओके दो बटे पांच अगर कम हो रही है इसका मतलब कितना है पहले पांच थी फिर दो कम हो गई तीन हो गई फिर पांच थी फिर तीन हो गई फिर पांच और तीन हो गई कितनी है एक सौ पच्चीस हो गई दोस्तों 27 हो गई कितने का डिफरेंस है यहाँ पे आ जाएगा आठ और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे ग्यारह में से तो नाइनटी एट डिवाइड बाय कितनी आ जाएगा एक सौ पच्चीस और इंटू में कितना 100. तो आ जाएगा तो ये आ जाएगा चार ये आ जाएगा पांच ठीक है और बत्तीस, तीन, और और सॉरी भाग दे दीजिए किसका पांच का तो सात जाएगा कितना बचेगा सात सात पंजे पैंतीस ठीक है ना हाँ नौ चौक छत्तीस और तीन उनचालीस ठीक है आठ चौक बत्तीस ये भी ठीक है एंड सात पंजे पैंतीस कितना बचा अच्छा ठीक है भाग कहा जाएगा सेवनटी एट पॉइंट कितना आएगा फोर अब जो लोग चौसठ आंसर दे रहे थे क्या कर रहे थे क्षेत्रफल निकाल रहे थे या त्रिज्या को दो बार बढ़ा रहे थे तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो पहली बात तो आयतन दे रहा है इस क्वेश्चन में आ, देखो इस क्वेश्चन में काफी तरह के स्टूडेंट है यहाँ पे कुछ लोग तो 20 परसेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ लोग 40 से आ रहे हैं आ रहे हैं okay? ओके 78.5 में गलत हो गया 78.4 आएगा है ना कितना आएगा सेवन पॉइंट फोर मैम मेरा मैंने कर दिया था बिल्कुल करे भी है कुछ क्वेश्चन गलत भी आ, सही भी है सॉरी मैम मैं... एरिया निकाल रहा था बिल्कुल मुझे पता है यहाँ पे चार टाइप के हैं कुछ एरिया भी निकाल रहे एरिया मतलब को, को हाँ तो तो हा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में इसीलिए करवा रही हूँ ताकि ए, आपको सीएचएसएल का सुबह चल ही रहा है सीजीएल का शाम को चल है एक गोले का व्यास 140 परसेंट बढ़ा दिया जाता है तो पूछा गया आयतन सेम पिछला भी सवाल ऐसा ही था ना गोले का ही तो था अब 40 परसेंट को फ्रैक्शन में कितना लिखोगे 14 बाई टेन ठीक है मतलब पहले 10 था ना काट भी दो इसको काट भी दो कितना आ जाएगा 14 बाई टेन काट दो तो सात बटे पांच पहले कितना था दोस्तों पांच था फिर बढ़ गया इसकी त्रिज्या बारह हो गई फिर पांच बारह फिर पांच और बारह हो गई कितना एक सौ पच्चीस से बढ़ गया कितना हो गया क्यूब तो सबको पता होगा है ना कितना बड़ा हुआ दिख रहा है तीन, यहां से कितना दिख रहा है जीरो यहां से दिख रहा है कितना सोलह सो तीन ठीक है बटे में एक सौ पच्चीस से बड़ा है तो आपको सो का मान पूछा गया है पांच ये चार बार ये पांच बार तो सोलह चौक चौसठ बारह बटे पांच कितना आएगा यहाँ से बारह पंजे साठ आता है चालीस में आठ बार गया फिर दो बार बारह बयासी है क्या कहां पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया किलर करके उन्होंने आंसर दिया है सबसे पहले ठीक है रिपीट मैम आशीष कौन सा क्वेश्चन रिपीट करवाना है क्वेश्चन भी डाल दिया करो है ना धीरज आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी तो यूट्यूब पे ही चल रही है मेरी क्लासे ना? And, आने वाला है बैच जो शायद जीडी का आएगा एस एस सी का आशीष कौन सा क्वेश्चन रिपीट करवाना है एक बार डाल दिया करो उसमें ना ओके डाल तो गोले का व्यास है वो बढ़ रहा है ठीक है एक सौ चालीस परसेंट एक सौ चालीस को फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा परसेंट हटाना होता है फ्रैक्शन में लिखने का मतलब परसेंट हटाना होता है तो सो का भाग देंगे जीरो से जीरो कैंसिल दो से काटोगे सात और ये पांच मतलब नीचे वाली वैल्यू पहले पांच थी उसकी तिरजा फिर उसकी तिरजा बढ़ गई सात बढ़ गई तो पांच से बारह हो गई फिर पांच थी बारह पांच थी बारह क्यों तीन बार क्यों लिए क्योंकि आयतन की बात करें आयतन में त्रिज्या तीन बार काम आती है क्षेत्रफल की बात करता तो दो बार काम आती तो इस तरह से हम कर लेंगे यहां से 125 सौ आएगा 1728 कितना बढ़ गया 1603 बढ़ गया कहाँ से 125 से तो इंटू सो तो कितना आ जाएगा बारह सो बयासी पॉइंट समथिंग ठीक है सभी को समझ में आ गया होगा सभी क्लासों का टाइम मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूं तो मैं कल ऐसा कर दूंगी है ना ठीक है किलर किलर <laughs> ठीक है ऐसा कर दिया जाएगा है ना अगला सवाल देखिए अगला सवाल कह रहा है इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है और छिन्नक दो व्रत छिन्नक का आपको पता है छिन्नक क्या होता है छिन्नक जो होता है वो गिलास जैसी आकृति होती है गिलास तो सभी देखे होंगे ना पानी वानी पीते हो दूध पीते हो गिलास तो सभी जानते हैं ना पीडीएफ मिलेगा बसंत पीडीएफ इसकी मिल जाएगी अपने इंडिया स्टडीज के ऐप पे ठीक है गिलास सभी जानते हैं गिलास की आकृति छिन्नक होती है बाल्टी जानते हैं बाल्टी की आकृति छिन्नक होती है छिन्नक का मतलब एक साइड की रेडियस ज्यादा और दूसरे साइड की रेडियस का ये वाली आकृति होती है, बेलनाकार होती है बेलन में दोनों रेडियस सेम होती है यहाँ पे चेंज होती है। ये कह रहा है वैसे ही होता है लेकिन इसमें आर दो बार काम आ रही है तो क्या करोगे दोनों त्रिज्याओं का स्क्वायर करोगे और दोनों त्रिज्याओं के मल्टीपल को ऐड करोगे तीनों चीजों को कैसे हो जाएगा पाई मतलब बाईस बटे सात आर स्क्वायर मतलब पहले तीन का स्क्वायर नो फिर दो का स्क्वायर चार फिर तीन दूनी छू एच कितनी है इक्कीस तो ये कट जाएगा तीन दोस्तों यहां एक तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ग्यारह का मल्टीपल होना चाहिए तो तीन और ग्यारह का मल्टीपल ये नो और दस ये नहीं होगा ठीक है ये हो सकता है ये आ, कितना हो जाएगा आठ दूनी सोलह ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो आंसर कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा थ्री फोर फाइव हो सकता है क्या हो सकता है बाईस बटे सात थ्री फोर फाइव हो सकता है ठीक है चार सौ अठारह आठ चार बारह और एक तेरह सात या इक्कीस आ रहा है ना कैसे होगा नहीं होगा ठीक है बाकी मैं चेक कर लेती हूँ इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचाई है बाईस बटे सात हो गया ठीक है तो ये आ जाएगा उन्नीस उन्नीस तीस सत्तावन सत्तावन इंटू सात दूनी चौदह चार पांच तो नहीं आएगा भाई चार तो नहीं आएगा चार तो अठारह तो नहीं आएगा क्योंकि तीन की टेबल में नहीं आ रहा ओके okay? चेक कर लेते ना इसको उन्नीस तीस सत्तावन इंटू कितना आ जाएगा बाईस हाँ ठीक है ना ठीक है ओके ठीक कैसे क्या गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन ही मैच नहीं खा रहा मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई ऑप्शन है भाई यूनिट डिजिट फाइव कैसे आ सकता है फाइव नहीं आ सकता फाइव यूनिट डिजिट नहीं आ सकता इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचाई है मीटर सेंटीमीटर में तो कोई झंझटबाजी नहीं है ना इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई ठीक है ठीक है बाईस बटे सात पाई आर स्क्वायर आर हो जाएगा नो प्लस चार प्लस कितना आ जाएगा तीन दुनी छह इंटू में कितना आ जाएगा सात या इक्कीस ठीक है इक्कीस से काटोगे तो सात या इक्कीस हो गया ठीक है है ना and, तीन का मल्टीपल तो ठीक है तीन सौ बयालीस नहीं आएगा मैं आंसर ही चेक करवा देती हूँ सत्तावन इंटू बाईस का मतलब कितना है सात दूनी चौदह एंड इसी में डायरेक्ट कर सकते हैं अपन तो कितना आ जाएगा सात दूनी चौदह एक कैरी तो दस और फोर्टीन तो कितना आएगा फाइव ठीक है एंड टू कैरी हो जाएगा और पांच दुनी दस और दो तो बारह ये आना चाहिए भाई बारह सो चौवन आना चाहिए है ही नहीं ठीक है है नहीं बारह सो चौवन आना चाहिए आया कि... अरे यार तभी है ना तभी गड़बड़ है एक बट्टा तीन तो लिखना भूल छोड़ दिया अब ठीक है अब ठीक है ओके उन्नीस का मल्टीपल चेक करना है अब ठीक है दोस्तों एक बट्टा तीन भी लिखना था एक बटा तीन भी लिखना था ये बेलन जैसी आकृति नहीं होगा हो अब ठीक है ग्यारह का मल्टीपल देख लो तो ग्यारह का मल्टीपल ये हो सकता है ठीक है यहाँ पे ये नहीं हो सकता ये हो सकता है और ये भी हो सकता है ठीक है ग्यारह के अलावा हमें देखना है उन्नीस का मल्टीपल ये आ जाएगा बाईस इंटू उन्नीस बाईस इंटू उन्नीस तो इवन नंबर हमें पता है एक तो ये है एक ये है बाईस से मल्टीप्लाई करोगे दो सौ समथिंग तो ऑप्शन कितना हो जाएगा डी चार सौ अठारह ठीक है चार सो अठारह ठीक है है ना एक बटा तीन हाँ ठीक है ओके एक बटा तीन भी है दोस्तों ये स्कीप हो रहा था कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें एक बटा तीन मतलब तीन का भाग दे दिया तभी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था चलिए अगला सवाल अगला सवाल भी सेम है तो इसमें भी हम वैसे ही कर लेंगे इसमें डायग्राम बनाने की हमें जरूरत है? नहीं है एक तारीख को एम का एग्जाम किस किस का है आ गया अच्छा मिनिस्ट्री वाला ठीक है ओके तो कितना हो जाएगा एक बटा तीन पाई मतलब बाईस बटे सात ठीक है और ऊंचाई वो ही दे रखी है जो कि कट जाएगी ठीक है इनटू रेडियस कितनी कितनी है पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस ठीक है प्लस चार का स्क्वायर सोलह प्लस पाँचों बीस ठीक है एक तो बाईस में इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर तो सारे ही हैं और हमें चेक करना है किसका ग्यारह का मल्टीपल ये भी ग्यारह का होगा ठीक है ये देखें तो ये नहीं होगा ठीक है ये देखें तो ये हो सकता है और आठ और छह ये भी हो सकता है अब हमारे पास दिक्कत ये कि हमें इस क्वेश्चन को और आगे पहुंचाना पड़ेगा तो बाईस इंटू यहाँ पे पैतालीस पैंतालीस और छह ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा चार और एक पांच इक्यावन चार और पांच और एक छ इकसठ का मल्टीपल भी देखना है आपको यहां आप देख सकते हो ये छह दुनिया बारह ठीक है इसको ग्यारह से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में दो ठीक है और ये आ जाएगा चार ओके ठीक है भाई क्या दिक्कत आ रही है 25 प्लस चार चोक 16 और ठीक है ये आ जाएगा पचपन इकसठ इकसठ इंटू बाईस ठीक है इकसठ इंटू बाईस हो गया ओके एंड मल्टीप्लाई करोगे तो इकसठ इंटू बाईस मैंने लिख दिया यहाँ पे तो दो छुनी बारह इंटू ये आ जाएगा ग्यारह से मल्टीप्लाई करोगे दो यहां से आ जाएगा चार यहाँ से आ जाएगा तीन तेरा है ना ये और इसी को उड़ा दिया था बी होगा बी नहीं होगा कौन सा होगा सी होगा ठीक है सी होगा ये आ जाएगा पांच और पांच ठीक है ग्यारह से भाग जा रहा है ना ठीक है तेरा सो बयालीस ग्यारह का मल्टीपल नहीं भाई ग्यारह के मल्टीपल सारे हैं। टेंशन मत लो ग्यारह के मल्टीपल सारे ग्यारह के मल्टीपल से मत उड़ा देना ओके okay? क्योंकि ये भी भाग जाएगा ग्यारह से एंड ये भी आप देख सकते हो ये भी ग्यारह से भाग जाएगा ये भी आप देख सकते हो ये भी जाएगा सारे के सारे ग्यारह वाले ऑप्शन है तो उससे तो सोचना ही मत इकसठ वाला ही करना पड़ेगा आपको ठीक है सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने की तमन्ना है क्योंकि आप मेरा बेस्ट गाइडर है ठीक है मोहित जल्दी ही सिलेक्शन लेके आइए आप स्टूडियो में चलिए अगले सवाल पे अगला सवाल भी सेम वैसा ही आ गया तो इसको भी हम जल्दी से उड़ा देंगे क्या कह रहा है एक बटा तीन हाइट है तो ठीक है और रेडियस का आप देख लेंगे कितना आ जाएगा ये पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस चार प्लस दस ठीक है ये कट जाएगा दो बार ठीक है एंड तीन बार तो शायद इसमें कटेगा ग्यारह का मल्टीपल देख सकते हो ये नहीं होगा ठीक है ये भी नहीं होगा ये नहीं हो सकता है नहीं होगा तो आंसर कितना आएगा फाइव सेवन टू फाइव सेवन टू बहुत बढ़िया शिवानी एंड ठीक है और दिनेश ने भी आंसर सी दिया है पिछले क्वेश्चन का है या इसका आज बहुत रॉन्ग हो रहा है नहीं नहीं रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सभी का सही आ रहा है ठीक है फाइव सेवन टू बहुत बढ़िया फाइव सेवन टू वाले सारे अब देखो तीन चार क्वेश्चन जब रिपीट होने लग जाते हैं तो फटाफट आंसर आने लग जाते हैं आंसर आप लोगों के पहले भी सही आ रहे थे ठीक है ओके हाँ क्वेश्चन को हल्के में ले लिया ना उसको लगा कि हाँ ठीक है ऐड हो रहा है ग्यारह का भाग नहीं जा रहा उसमें चारों के चारों ऑप्शन ग्यारह वाले थे ठीक है तो सिली मिस्टेक और थोड़ी बहुत भूल लेनी देनी होती है ना भूल चूक लेनी देनी होती है चलिए अगले सवाल पे अगला सवाल भी वैसे ही है क्या ये फ्रस्टम वाले कितने क्वेश्चन आएंगे एक ही क्वेश्चन है है ना एक क्वेश्चन और बच्चा हुआ दोस्तों इक्कीस का आधा तो इक्कीस बटे दो इंटू रेडियस रेडियस वही पच्चीस तीन का स्क्वायर नो प्लस पांच तीन पंद्रह ये सात या इक्कीस कैंसिल ये ग्यारह ग्यारह का मल्टीपल चेक करते मिलता तो ठीक है आ, मिलेगा तो काम बन जाएगा ये नहीं होगा सात तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे दस में से चार गया ये भी नहीं होगा आ, तेरा तो आंसर कितना हो जाएगा 5, 3, बहुत बढ़िया है ना देखो कितनी जल्दी आंसर आया हालांकि वाला बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में भी बहुत कंफ्यूज करता है ठीक है ओके स्टूडियो कहा है जब आपकी जॉब लग जाएगी आप ठीक है जब आपका रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल आपको वहां पे मैसेज जाएगा अगर आप बताते हो इन्फॉर्म करते हो अभी भी रिजल्ट जिनका आया है काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी कोविड की वजह से वो आ नहीं पाए हैं ठीक है चलिए अगले सवाल पे अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कह रहा है चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला कर दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं ना बचपन में करते थे ना अः जो खाने की गोलियां आती थी बड़ी आती थी तो वो कुछ ऐसी होती थी अपने आप मेल्ट होने लगती थी उनकी करके छोटी छोटी गोलियां बना लेते हिंगोली जो आती है उसका भी आप लोग करते होंगे क्योंकि बचपन में चीजों का बंटवारा करना होता था सारे दोस्तों को थोड़ा थोड़ा देना होता था वैसे यहाँ पे भी गोलियां एक गोला है बड़ा जिसकी रेडियस है चार सेंटीमीटर उसने छोटे टुकड़ों में बना लिया और जिसकी रेडियस क्या हो गई दो सेंटीमीटर तो आपको पूछा गया है कितने गोले बनाए जा सकते हैं दोस्तों पाई का तो ये है कि पाई दोनों में कट जाएगा है ना आयतन देखो गोले का हो शंकु का हो बेलन का हो इन सबका आयतन बराबर होता है आयतन में आपको पता है इसका क्या आएगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब तो आपको पता है जो भी डिफरेंस होगा जो भी गोलियां बनेंगी वो रेडियस की वजह से बनेंगी चार बटे तीन पाई कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ रेडियस चार है तो चार का क्यूब कितना हो जाएगा चार का क्यूब चौसठ बराबर यहाँ पे रेडियस कितनी है दो है हम एक्स गोलियां बना रहे हैं दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ आठ से काटोगे तो कितना आ जाएगा आठ कितनी गोलियां बन जाएंगी आठ बहुत बढ़िया है ना सभी आंसर करेक्ट दे रहे हैं ए इज राइट आंसर ठीक है स्टूडियो पर बुलाकर खाना खिलाया जाएगा हाँ भाई भंडारा होगा है ना <laughs> चलिए कोई दिक्कत नहीं है अच्छा भंडारा भंडारा आपने भी सवामणी वगैरह बोल रही होगी बोल रखी होगी एक बार एक स्टूडेंट था मैं ऑफलाइन जब पढ़ाती थी तो ऐसे ही बात हो रही थी तो उसने बोला कि आ, मेरी जॉब अगर लग गई तो मेरे ये मान लो कि मेरे एक साल की सैलरी तो भंड क्या बोलते हैं सवामणी में चल जाएगी ना राजस्थान में होता है बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है सवामिणी मीन्स भगवान मतलब मंदिरों में जो खाना खिलाया जाता है उसको बोला जाता है ना भंडारा टाइप में कुछ करके तो आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन है तो बिल्कुल जहाँ जहाँ करो सभी को इन्फॉर्म कर देना है ना ठीक है चलिए अगले सवाल पे आ जाइए दो सेंटीमीटर भुजा वाले छह घनों के सिरों को जोड़ा जाता है ना कितने घन घन सिरों को जोड़ा जाता है और क्या कह रहा है परिणाम घनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा देखो जोड़ा जाता है लंबाई के अकॉर्डिंग तो दो सेंटीमीटर भुजा थी घन थे उनको इस तरह से जोड़ा गया तो देखो इस तरह से घन बन गया ठीक है छह घन जोड़े गए अब मैं जोड़ देती हूँ यहाँ पे छोटे छोटे घन जोड़े गए तो लेंथ कितनी हो गई दोस्तों आपको घनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ठीक है कितना होगा दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई तो बारह इंटू दो चोईस प्लस दो दुनी चार प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा चोईस तो चौबीस दुनिया अड़तालीस ठीक है अड़तालीस और चार बावन तो बावन को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक सौ चार कितना आ जाएगा एक सौ चार है ना पराठे खा लो गुड है ना ठीक है भिजवा दो इधर दिल टूटा रश्मि भिजवा दो इधर है ना एक सौ चौवालीस नहीं आएगा एक सौ चार आएगा ठीक है ओके ठीक है 104 गुड सभी का सही आ रहा है चलिए अगले सवाल पे अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है मैम आपका टारगेट क्या है फ्यूचर टारगेट है अपना सबका अलग अलग होता है मेरा भी है जिस दिन अचीव होगा उस दिन सभी को बताया जाएगा देखिए क्या करे सत्रह सेंटीमीटर तिरजा वाले एक व्रत में एक जीवा केंद्र है

लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम डिटेल में आप बताया करो तो मैं डिटेल में भी बता देती हूँ सर्कल है उसमें एक जीवा है जीवा सेंटर से कितनी दूरी पर है दोस्तों ये दूरी है आठ और ये रेडियस है इसकी है. ये नब्बे डिग्री का कोण हो गया ये आधी हो जाएगी तो ये आठ है ये सत्रह है तो ये कितनी हो गई पंद्रह जीवा टोटल ए बी तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी पंद्रह इंटू दो तो कितना आ गया तीस सेंटी कितना आ गया तीस सेंटीमीटर ठीक है ओके okay? अच्छा शादी करना भी टारगेट होता है क्या हाँ वैसे आप लोगों का होगा टारगेट ठीक है क्योंकि आजकल आधी पढ़ाई जो होती है वो लोग शादी करने के लिए करते हैं उनका ये होता है आ, मैंने सुना है घर पे भी ऐसे बोलते रहते हैं लड़कों को खासकर क्योंकि लड़कियों की तो शादी वैसे हो जाती है कि तुम लोग तैयारी उनके लिए कर रहे हो है ना <laughs> तैयारी तुम उसके लिए कर रहे हो तो होता क्या है तुम्हारा लोगों का ये होता है कि जॉब नहीं लगी तो कुछ नहीं होने वाला है ना कुछ नहीं होने वाला तो शादी तो सोचना ही मत ऐसा डराया जाता है और डराया नहीं ये सच्चाई भी होती है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरी लिस्ट में ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट हो क्योंकि आंसर तीस आ रहा है बहुत बढ़िया ओके okay? अगला सवाल देखिए एक संबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है आठ सेंटीमीटर तो इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी चार सेंटीमीटर बहुत बढ़िया है ना आ, किसने वीरेंद्र ने आंसर दे दिया स्माइल करके उन्होंने आंसर दे दिया भोलू ने आंसर दे दिया क्वेश्चन स्क्रीन पे आने से पहले आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है ओके okay?

ठीक है छोटा वाला व्रत बना दिया जाए तो इसकी रेडियस ये वाली ये होती है ये दो होती है तो दो का मान आठ है तो एक का मान कितना आ जाएगा चार कितना आ जाएगा चार बहुत बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है छह सेंटीमीटर तिरजा के गोले को पिघलाकर दो सेंटीमीटर तिरजा वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं तो गोलों की संख्या कितनी होगी ये सवाल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं ना ये सवाल कुछ ज्यादा ही पूछे गए थे ये 2018 वाले सवाल हैं सीजीएल के आज 2019 के भी होंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या देखेंगे भाई रेडियस कितनी है छे. तो छे का क्यूब सो इसमें एक्स गोले बनाए गए यहाँ पे रेडियस कितनी है दो तो दो का क्यूब आठ आठ का भाग दे दो आठ दुनी सोलह आठ सात छप्पन तो कितने आगे ट्वेंटी सेवन कितने आगे ट्वेंटी सेवन बेरोजगार लड़का पिंकी एंड भोलू सभी ने आंसर करेक्ट दिया है आंसर आया है ट्वेंटी सेवन ए ऑप्शन इज राइट आंसर ठीक है आशीष बोल रहे मैम क्या करूं नींद आ रही है आ, तो भाई मुंह धोके वापस बैठ जाओ सन्यासी बनोगे <laughs> सन्यासी भी क्यों ही बनना है ना ओके आगे कह इतनी इतनी है।, है, तो है।, मतलब है एक कोई वस्तु अगर सिक्सटी सिक्स हो रही है तो कितनी बढ़ रही है सोलह बढ़ रही है कहा से पचास से तो सो का मान कितना हो जाएगा दो बार कटेगा तो सोलह धुनी बत्तीस परसेंट कितना आ जाएगा सोलह दूनी बत्तीस परसेंट छत्तीस वाले एक बार चेक कर लीजिए छत्तीस पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे भोला भोलू है ना ये भोलू है मैं इसको बोला था ठीक है हेमंत पिंकी एंड कबीरुल सभी ने आंसर सही दिया है बहुत बढ़िया सभी का आंसर सही है ना ठीक है अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आ चुका हाँ अगला सवाल करें एक आयत की भुजा की लंबाई ठीक है और विकर्ण भुजा की लंबाई और विकर्ण कितना है सात और पच्चीस तो आयत में मैं आपको बता दू दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई और विकर्ण एक दूसरे के ट्रिपलेट होते हैं ट्रिपलेट होते हैं तो सात और पच्चीस कौन सा ट्रिपलेट होता है चोईस मतलब अगर लंबाई सात है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फोर हो जाएगी या नहीं होगी होगी परिमाप पूछा है परिमाप क्या होता है दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो चोईस प्लस सात और इंटू में क्या आ जाएगा दो तो ये आ जाएगा इकतीस इंटू दो तो कितना आ जाएगा सिक्सटी टू कितना आ जाएगा सिक्सटी टू बहुत बढ़िया पिंकी पिंकी ने करेक्ट आंसर दिया पहले सबसे पहले आंसर आया है भोलू का भी आंसर सही है कितना आ जाएगा सिक्सटी टू जी या बेरोजगार लड़का सभी का आंसर सही है ठीक है चलिए अगले सवाल पे आ जाइए दोस्तों अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं पच्चीस क्वेश्चन करेंगे हम मतलब पचास करेंगे फोर्टी uh, सिक्स पे चल रहे हैं पांच क्वेश्चन अपने बच चुके हैं बच्चे हुए हैं ना उसके बाद आपको सोना हो खाना हो जहाँ जाना हो वहां घूमना हो कुछ भी करना और कुछ भी नहीं करना है ना एग्जाम है आपका कुछ नहीं करना आई एम सॉरी मैम आई एम ऑफलाइन अब वो आपकी समस्या है ठीक है अगले सवाल पे आ जाइए अगला सवाल कह रहे हैं एक नियमित बहुभुज में पांच भुजाएं हैं उनके आंतरिक कोण का माप दोस्तों पंचभुज हो चाहे कोई सा भी भुज हो है ना आ, कोण जो होगा वो कैसे निकाल जैसे त्रिभुज है त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है 180 कैसे निकलता है एन माइनस दो इन टू में वन एटी यहाँ पे कितनी है पांच भुजाएं तो एन माइनस तीन एन माइनस दो मतलब तीन इंटू एक सो अस्सी तो पंचभुज में अंत्य कोण का मान कितना हो गया कोण का सम पांच सौ चालीस है ना और बाह्य का हमेशा कोण का सम कितना होता है तीन सौ साठ ये जीरो सौ अस्सी लेकिन एक सौ अस्सी पांच भुजाओं के बारे में बात की गई है तो किसका भाग दोगे पांच का तो पांच दिए पंद्रह और पांच के तीस तो कितना आ जाएगा छत्तीस डिग्री बहुत बढ़िया नब्बे डिग्री वाले क्या कर रहे हो समकोण बना रहे हो समकोण नहीं बनाना है ठीक है अमित मिश्रा लेट हो गए तुम एंड सुज बेरोजगार लड़का सभी के आंसर सही आ रहे हैं नब्बे डिग्री वाले जो हैं उनका आंसर एक बार चेक कर लीजिए अच्छा हो गया समकोण नहीं बनाना उसको है ना ठीक है बी इज राइट आंसर बढ़ते हम इसी के साथ अगले सवाल पे अगला सवाल आपसे क्या जानना चाह रहे हैं देखिए तीन पॉइंट पांच सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वॉल्यूम क्या होगा क्या होगा घन का वॉल्यूम इजी होता है तो तीन पॉइंट पांच का क्यूब क्या होता है का क्यूब क्यूब अच्छा मुझे बताओ इसमें करने की तो आवश्यकता नहीं नहीं है है मैं भी भी करूंगी किसी भी जो पांच हो जाता है ना पांच के स्क्वायर में पच्चीस आ सकता है पिछहत्तर आ सकता है ठीक है एंड पच्चीस का मल्टीपल ही आ सकता है ठीक है तो यहाँ आप देखेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता तो आंसर कितना आ जाएगा बी आंसर कितना आ जाएगा बी आदित्य प्रजापत गुड पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो शायद ना पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा बी आएगा और क्यों आएगा भाई हम क्यूब चेक नहीं करेंगे और क्यूब यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है और जरूरत पड़े तो एक सौ यहाँ पे पैंतीस का क्यूब याद है तो ठीक है नहीं तो सात का क्यूब करके एक सौ पच्चीस से मल्टीप्लाई कर लीजिए इतना हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है ओके okay, तो क्यूब अगर निकलता है या स्क्वायर निकलता है तो आपको पता है किसमें भाग जाएगा या तो पांच आना चाहिए पच्चीस पच्चीस आना चाहिए पिछहत्तर आना चाहिए जो पच्चीस की टेबल में आए तो या पचास आना चाहिए और सौ तक तो तीन ही आते हैं पच्चीस पचास और पिचहत्तर ठीक है ठीक है ये जय हिंद लिखा है जय हिंद आपको भी मैम आज तो पूरे क्वेश्चन पढ़कर ही जाऊंगा हाँ बिल्कुल आशीष तीन क्वेश्चन बच रहे हैं आराम से पढ़ सकते हो कोई बड़ी बात ठीक <laughs> है अगला सवाल क्या कह रहा है हैं त्रिभुज की भुजा कितनी है आठ सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल क्या होगा अब आसान आसान सा अच्छा दो हजार सत्रह के पेपर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 2019 वाले सारे कर लिए आपने मेन्च्युरेशन के 18 वाले कर लिए 2017 वाले उड़ा रहे हैं अपन 2016 का और करवा दूंगी फिर उसके बाद मैं चैप्टर चेंज करूंगी बिल्कुल साहिल जय हिंद आपको ना देखिए दोस्तों क्या कह रहा है एक भुजा दे रखी है त्रिभुज का क्या पूछा संभव त्रिभुज का एरिया हमें पता है अंडर रूट तीन तो पहली बात तो अंडर रूट तीन दो ही ऑप्शन में है तो ये कैंसिल ठीक है कितना आ जाएगा चार और क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर तो आठ का स्क्वायर कितना आ जाएगा आठ इंटू आठ यहाँ कितना आ जाएगा सोलह अंडर रूट तीन ठीक है इसमें भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं है मैंने पेन इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे आपको समझाना है ना आपको किसी को नहीं समझाना तो आप फटाफट से बता सकते हैं 16 अंडर रूट 3 ओके और जितने ऑप्शन कट रहे हैं उनको काट दिया करो उड़ा दिया करो अगला सवाल वृत्त का एरिया इतना है तो उसकी परिधि कितनी होगी एरिया इतना है वृत्त का एरिया सभी को पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है बराबर में है 346.5 मैं इस पॉइंट 5 को हटा देती हूं आसानी रहेगी है ना इसलिए मैंने हटा दिया ताकि आसान रहे चीजें से अब हम देखेंगे आ, देखें एक बर, करते है इस क्वेश्चन को है ना करते हैं क्योंकि ग्यारह से हालांकि ये कटेगा फिर भी अभी नहीं कह सकते कुछ ग्यारह से मैंने काट दिया तो यहाँ से आएगा ग्यारह तीर तैतीस कितना बचा एक और पांच फिर मैंने यहाँ से आ गया आएगा तीन तो नौ तो सात बन गया ना और यहाँ से सात या इक्कीस बटे तो रख दो इक्कीस बटे दो तो दो इंटू बाईस बटे सात इंटू रेडियस कितनी इक्कीस बटे दो।, दो से दो कैंसिल यहाँ पे तीन तो कितना आ गया सिक्सटी सिक्स ठीक है एक सौ बत्तीस नहीं होगा कितना आएगा सिक्सटी सिक्स दो से दो भी कटेगा ठीक है मॉर्निंग में क्लास क्लास कितने बजे शुरू होती आशीष मैं मैं अभी अभी जब मेरी खत्म होगी इस टाइम पे एक क्वेश्चन बचा हुआ है आ, तो मैं सारी क्लासों के बारे में बता दूंगी है ना सारी क्लासों के बारे में बता दूंगी रेडियस दस पॉइंट पांच हाँ दस पॉइंट पांच आ गई ना मैंने इक्कीस बटे दो इसलिए लिखा देखो क्वेश्चन को सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है होता उसको आसान बनाना भी इंपोर्टेंट है ठीक है सी वाले सभी सही जा रहे हैं एंड सी आ रहा है मैक्सिमम का आंसर बहुत बढ़िया है ना एक ने आंसर दिया था 132 जो कि गलत हो गया क्लास का आखिरी सवाल और आखिरी सवाल का सभी आंसर आप लोग ही देंगे है ना सही आंसर सभी सही आंसर आप लोग देंगे और जल्दी से दीजिए आसान सवाल है बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए यस मैम ठीक है जानवी अग्रवाल प्लीज मैम क्या कहना चाह हो जानवी मैंने आपकी शायद पहले बात देखी नहीं है अभी आप बता दीजिए जल्दी से मैम आपकी तरह मैथ कब होगी मैथ कब होगी जल्दी होगी प्रैक्टिस अच्छी रखो है ना प्रैक्टिस अच्छी रखो मैथ आपकी बहुत अच्छी होगी हो सकता है मेरे से भी अच्छी हो मैं ये नहीं कह रही कि आई एम मतलब मैं ही हूँ सब कुछ मेरे से भी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है सी आ रहा है सी मतलब तीन सौ सैंतीस पॉइंट पांच देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सात पॉइंट पांच सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सतह का क्षेत्रफल सतह मतलब uh, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस हो रहा होता है सिक्स इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब सात पॉइंट पांच को क्या लिखते हैं पंद्रह बटे दो इंटू पंद्रह बटे यहां से काटोगे तीन एक तो दोस्तों पॉइंट पांच आएगा क्योंकि कटेगा नहीं तो पॉइंट इनमें नहीं है दो ऑप्शन उठ गए अब जो ऑप्शन बचा है उसमें तीन इंटू तीन नो नो का भाग जाएगा नो का भाग का इसमें जा रहा है क्या दस ये इसमें भी जा रहा है एंड दस इसमें भी जा रहा है भाई अब क्या करें चेक करना पड़ेगा ठीक है चेक करना ही पड़ेगा तो दो सौ पच्चीस इंटू तीन और बटे में दो तो क्या आया छह सौ पिछहत्तर में दो का भाग दोगे आधा हो जाएगा तो कितना आएगा तीन बहुत बढ़िया सभी से मेरी उम्मीद थी सभी ने करेक्ट आंसर दिया है और ऐसी उम्मीद खरे खड़े करो आप लोग अब मैं आपको बता देती और दस बजे अभी चल रही है वैसे नौ बजे होती है अभी दस बजे से लेके और ग्यारह बजे तक शाम को सीजीएल का पेपर करवा रही हूँ जिसका टाइम है मेरा छह बजे से लेके और सात बजे तक ठीक है और एक क्लास हो रही है जो मिक्स क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी शाम को चल रही है आठ बजे है ना तो आठ बजे मिक्स प्रैक्टिस चल रही है आपकी मिक्स प्रैक्टिस सेपरेट चैप्टर वाइज ओके इसका टाइम है अपना रात को आठ बजे से लेके और अपना नौ बजे ठीक है तो अभी आपको तीनों क्लासेज का टाइम पता चल गया डेली इसी टाइम पे आ जाए करें क्लास में भोलू का गलत था पच्चीस का मल्टीपल हाँ पच्चीस का भी चेक करते हो ये भी अच्छी बात है तो पच्चीस का मल्टीपल पिछेर ही होगा नोटिस नहीं करी क्योंकि जैसे मुझे दहाई का अंक भी निकालना आता है तो मैं काफी बार दहाई के अंक से भी चेक कर लेती हूँ संख्या को काफी बार मन करता है भाग दे देते तो भाग भी दे देते हैं जो माइंड में सबसे पहले आए उसी को अप्रोच उसी की अप्रोच लगा दिया करो ठीक है नहीं नहीं रविकांत मैं इसी चैनल पे पढ़ाती हूँ और अच्छा आपको पढ़ना कहीं पे भी मिले वहां पे पढ़ लीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है शेयर करेंगे क्लास को लाइक करेंगे ठीक है बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ठीक है मेरे को अमर बना दे क्या करूँगी इतना जी की है न? ओके दोस्तों एक उम्र तक ही ठीक है चीजें एंड आप सभी का धन्यवाद और क्लास में आओ तो अपने दोस्तों की बताया करो कि भाई ऐसे ऐसे करके क्लास चल रही है है ना और उसमें ये सब चीजें बताई जा रही हैं और अच्छी चीजें या गलत चीजों का आप सभी को पता है इतना तो आप बड़े हो चुके हो टाबर रहे नहीं अभी है ना ठीक <laughs> है बाकी हम मिलते हैं अब क्लास होगी मेरी सुबह तो सुबह मिलेंगे मैम आज भी क्लास थी क्या हाँ दिल टूटा रश्मि पूछे आज भी क्ला... आज क्लास हुई आज से स्टार्ट हुई है छह बजे वाली आज से स्टार्ट हुई है सीजीएल का मैंने छह मार्च का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैंने करवा दिया अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना और अभी मैं पेपर करवा रही हूं उसमें बिल्कुल मैं वो उस अप्रोच से क्वेश्चन कर कर, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करके सोइए क्लास को शेयर करा करो है कल मिलते हैं क्लास को शेयर किया करो लाइक भी क्या करो अभी लाइक कम चल रहे इसको पहुंचा दो है पहुंचा दो जितना तुम्हारा टारगेट है ठीक है दोस्तों